चंद्रयान 3 के विक्रम रोवर का कमाल, रूस, चीन और अमेरिका हैरान। जी हाँ दोस्तों, 14 जुलाई 2023 को भारत में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने के बाद 14 दिन तक वहां के सरफेस पर उपस्थित सभी रहस्यमय जानकारी इसरो को दी, जिसमें से ऑक्सीजन और फास्फोरस कई बहुमूल्य तत्व ऑन की जानकारी भारत के वैज्ञानिक को दिया। लेकिन इसके बाद विक्रम लैंडर और रोवर दोनों ही स्लीप मोड में चले गए, वह भी पूरे 14 दिन के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे पृथ्वी पर एक दिन वह एक रातें होती हैं, वैसे ही पृथ्वी के 14 दिन मिलकर एक दिन चांद का होता है, और ऐसे ही 14 रातें मिलकर एक रात चांद के बराबर होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि किस प्रकार स्लीप मोड में होने के बावजूद भी विक्रम रोवर कैसे जीवित हो गया, चंद्रयान 3 का लैंडर और विक्रम रोवर दोबारा जीवित हो गए हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों आपको बता दें, चंद्रयान 3 लैंडिंग करने के बाद कि 14 दिन तक चांद की सतह पर अनेक रहस्यमयी चीजें का खोज किया। इसके बाद वह स्लिप मोड में 14 दिनों के लिए चले गए, जहां पर रोवर और लैंडर को 230 डिग्री के तापमान को सहते हुए सूरज निकलने के बावजूद वे 4 दिनों तक स्लीप मोड में ही रहे। इसके बाद अचानक से विक्रम रोड के अंदर मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ, और इधर इसरो को विक्रम लैंडर और रोवर की कुछ भी खबर न मिलने के कारण इसरो के वैज्ञानिक और नासा के वैज्ञानिक दोनों ही अपने पूरी जोड़ के साथ चांद की सतह पर सिग्नल को भेज रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप नासा को चंद्रयान 3 का सिग्नल प्राप्त हुआ, और उसे सिग्नल के माध्यम से यह देखा जा सकता है कि किस प्रकार रोवर चांद की सतह पर उल्टा पड़ा हुआ नजर आया। लेकिन रोवर का सिग्नल जब नासा को मिला तो नशा पूरी तरीके से हैरान था, क्योंकि नासा के वैज्ञानिक ऐसा चमत्कार पहली बार देखे हैं। उनके अनुसार विक्रम रोवर भी उल्टा पड़ा हुआ मिला था, लेकिन सिग्नल जो कि विक्रम रोवर में लगे एंटीना के कारण नासा तक पहुंच गया। इस सिग्नल के मिलने के बाद जब नस में छानबीन करना स्टार्ट किया तो नासा के स्पेस एजेंसी से सिग्नल भेजना शुरू किया। इसके उपरांत विक्रम रोवर को सीधा किया गया। सीधा होते ही विक्रम रोवर चांद की सतह पर दौड़ना स्टार्ट कर दिया, जिसे देखकर नासा और तो और इसरो के वैज्ञानिक दंग रह गए हैं। आखिरकार विक्रम लैंडर अपना मूवमेंट करने में असमर्थ रहा, लेकिन विक्रम रोवर इतनी तेज गति के साथ चांद की सतह पर कैसे टहल रहा है। इस राज्य की बात को जब इसरो के चीफ ने नासा के किसे बात, तो उन्होंने ये बताया कि विक्रम रोवर में लगे हुए एंटीना, जो कि पूरी तरीके से सलामत हैं, उसके माध्यम से ही नासा के स्पेस एजेंसी से कनेक्शन हो पाया, जिसके अंतर्गत हम विक्रम रोवर को चांद की सतह पर दौड़ते हुए देख सकते हैं। और तो और नासा के प्रमुख ने यह जानकारी दी कि ऐसा चमत्कार पहली बार देखा गया है। दोस्तों यह सिग्नल नासा को मिलने की बात इससे स्पष्ट होता है कि नासा अपने स्पेस क्षेत्र में काफी स्ट्रांग हो चुकी है। नासा के वैज्ञानिक को इसरो के वैज्ञानिकों ने धन्यवाद कहते हुए कहा कि सर आपका लख लख शुक्रिया, आपने विक्रम रोवर को वापस जगाया है, वह हमारे सम्मान को बचाया है। इस उपलक्ष में नासा के चीफ ने यह जवाब दिया कि यह हमारा परम कर्तव्य है, यदि हमारे पास ऐसी सुविधा है कि हम स्पेस में मौजूद किसी भी मिशन पर अपने सिग्नल के जरिए उसका पता लगा सकते हैं और वह क्या कर रहा है, कौन सा डाटा इकट्ठा कर रहा है, इसके बारे में भी हम आसानी से जान सकते हैं। नासा ने यह भी बताया कि उनका स्पेस एजेंसी के पास ऐसा पावरफुल फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है, ज्यादातर मिशन को सक्सेस बनाने में मदद करता है, लेकिन भारत का चंद्रयान 3 में मौजूद एंटीना जो कि रोवर में लगा हुआ है, यदि यही एंटीना विक्रम लैंडर में भी लगा होता तो हम विक्रम लैंडर भी मूवमेंट करने में सफल होते हैं, लेकिन हम विक्रम लैंडर को जगाने में असमर्थ रहते हैं, जो कि हमें बहुत ही खेल है। इसके उपरांत इसरो के वैज्ञानिक और भारत के गणमान्य नेता ने नासा को इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई दी है, और प्रधानमंत्री जी ने नासा के साथ मिलकर काम करने और अपने देश का विकास करने तथा उसे पूरी तरीके से सहयोग करने का भी दावा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपके साथ हैं,
आपका बहुत बहुत आभार। वहीं इसरो के एक अन्य महत्वपूर्ण वैज्ञानिक ने नासा के स्पेस स्टेशन के बारे में बात कही। उन्होंने ये बताया कि नस का स्पेस स्टेशन में ऐसे अनेक सिग्नल ऑब्जेक्ट्स लगाए गए हैं जो कि हमारी पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रहों पर भी सिग्नल आसानी से भेज सकता है, और यदि इन ग्रहों के बीच में कोई ऐसा रॉकेट या लॉन्च की हुई मिसाइल पहुंच जाए तो उसे अपने सिग्नल के जरिए डिटेक्ट कर लेता है। यह प्रमुख वैज्ञानिक ने नासा के स्पेस स्टेशन की बहुत ही तारीफ की और विक्रम रोवर को वापस जागने पर शुक्रिया कहा। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 अब सफलतापूर्वक चांद की सतह पर काम करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उसमें लगे सोलर एनर्जी बैटरी अब चार्ज होने लगी है। विक्रम रोवर के पास एक एंटीना भी है जो कि पूरी तरह सलामत है, जिसके द्वारा हम रोवर से कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं और वहां पर होने वाले मूवमेंट का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 मिशन पूरे देश में परचम लहरा दिया है, और उन्होंने यह भी बता दिया है कि भारत के वैज्ञानिक कितने ज्यादा तकनीकी रूप से परिपूर्ण हैं। दोस्तों, यदि आप भारत के सच्चे देशवासी हैं और इसरो के इस मिशन से गौरवान्वित महसूस कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।